गया हम लोगों को माल, अब हम लोग चलेंगे पार्टी करने, साथ में सूरज भी है। इतना माल का हम लोग पूरा पार्टी ही पार्टी कर। हाँ, सुन ना क्या बोल रहे हैं ना। हाँ। प्रेम को मत बताना, किसी को मत बताना, हल्ला गाड़ी करता है भाई साहब। हमने पैसा कलेक्ट कर लिया, इधर से जाएगा भे? इधर से रास्ता है। हाँ। तो हम लोग चले नामकुम बाजार, नोटों का बंडल देखा ना आपने, तो आज जो हमारा पार्टी होने वाला है, जबरदस्त पार्टी होने वाला है। आगे का जो ब्लॉग है हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है ना। निकले अभी तक नहीं निकला है, बड़ा अब तक रास्ता देखा है। हाँ, ये हम लोग समृद्धि पार्क, समृद्धि, हाँ समृद्धि पार्क वाला रास्ता में हम लोग जा रहे हैं। इधर हम लीची का पेड़ देखे थे, बहुत तगड़ा हुआ था रे भाई, लीची झूला हुआ था इधर आसपास। यहाँ से सीधा हम लोग निकलेंगे नामकुम बाजार, और हम आपको दिखाते हैं कि नामकुम बाजार में आज क्या क्या वहाँ पे मिलता है। ज़्यादातर संडे मार्केट है, पहले आपको यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे। ये हो गया समृद्धि पार्क, काफ़ी फेमस यहाँ पे है ये बिल्डिंग। भाई साहब ये जो फील्ड देख रहे हैं, ये फील्ड के बाद में ही हमारा घर है। यहाँ पे वीडियो आपको जर्क मिलेगा, मेरे पास ना ही गिम्बल है और ना ही मतलब ऐसा फ़ोन है जिसमें कि जो वीडियोज़ है वो स्थिर रहे हैं। तो अभी हम टोटो में बैठे हैं तो जंप कर रहा है ज़्यादा, इस वजह से वीडियो सेफ होता है पूरा, देख रहे ना पूरा वीडियो हिल जाता है। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे नामकुम बाजार की ओर। नामकुम बाजार स्पेशली जो संडे का मार्केट होता है वो नॉनवेज के लिए जाना जाता है, लोग साग सब्जी भी खरीदने आते हैं सस्ते दरों पे। और जो ज़्यादातर लोग हैं युवा पीढ़ी हमारे, नॉनवेज और जो लोकल हड़िया बोलते हैं हम लोग, राइस बियर या फिर जो शराब होती है महुआ वाली शराब, वो सब इस बाज़ार में मिलता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे वो उस बाज़ार में जितना कवर कर पाए, जितना रिकॉर्ड कर पाए वो दिखाएंगे आपको। खेते खेत देहाते देहात देखे जा रहे हैं नामकुम बाजार, नया रोड रास्ता, यही वाला रास्ता से आया था। हाँ। अच्छा तुम जाता। नहीं वो तो उतना नहीं था, चार पांच बोरा का बात था। हाँ हाँ, आदमी में नहीं बुझाता। ये रास्ता तो सही में एकदम बहुत डेंजर रास्ता है, ये रास्ते में गाड़ी नहीं चलेगा, खाली मतलब चलेगा एक दो जन का डेंजर। हाँ, लोग आ गए बाजार, और बाजार में ये गड्ढा वाला रास्ता पार करते हुए एक कैसे हंस रहा कि यहाँ से मार्केट तैयार हो गया, जूते कपड़े हर चीज़ आपको इस मार्केट में मिलेंगे। कौन कौन वाला ले रहा है? कौन कौन वाला मछली? तिलपी है ना। हाँ तिलपी है। छोटा छोटा दो करें। नहीं नहीं। हाँ ये पहले। हम लोगों ने फाइनली मछली ले लिया है, और हमारे जो मछली है हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं मछली को फ्राई करने के लिए। लगभग अभी हम जिस एरिया में हैं यहाँ पे मछली फ्राई होता है, चिकन फ्राई होगा और बांडा, इसे आप लोग हिंदी में सुअर बोलते हैं, वो भी फ्राई होता है। नहीं ज्यादा लागत हम इनकी और रेट नहीं पड़ रहा। कितना में? तो आगे देख लेते हैं ना, आगे देख लो। दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे रेट हमारा नहीं पटा, तो हम लोग लीजिए इसी को कीजिए फ्राई। तो हमारा जो मछली है अब इसी चूल्हे पे फ्राई होगा, मतलब बेसिकली जो क्या है कि लकड़ी पे ही, लकड़ी जलाकर इस तरह मिट्टी का चूल्हा बनाया हुआ रहता है। और यहाँ पे आप मछली फ्राई करवाइए, चिकन फ्राई करवाइए, या मटन या फिर बांडा, एवरी थिंग यहाँ पे आपको फ्राई हो जाएगा जिस तरह से बनाना चाहिए। फाइनली हम लोग का जो मछली है ये फ्राई होने लगी है।
सूरज पूरा बेताब है तेरा बीबी को भेज दे। वही सब हम लोग का मछली जो है यहाँ पे तैयार हो गया है ना। सब हम लोग का जो राइस बियर ना बे राइस बियर जिसको हम लोग देसी बियर बोलते हैं तो देखिए यहाँ पे निकल रहा है। इसमें कोई नुकसान नहीं रहता है। अबे लो इसमें नुकसान नहीं रहता है, चावल का बना रहता है ये। इसको आप शराब नहीं बोल सकते हैं। अबे हम जानते हैं इसको क्या है, सोच क्या सोच के लिए थे ये वाला मछली को। हमको लगा था मांगूर है। मांगूर नहीं, गरई। गरई यार तुम वाले बोला नहीं, हम सोचे मांगूर है तो नहीं लेते, फिर उसी को लेते हैं। ठीक है खाना। हाँ। सब हमारा जो मछली है, मछली देखे यहाँ पे फ्राई है। ये जो राइस बियर है देसी अड़िया ये तैयार है। और ये स्पेशल सिंगल मछली हम लोगों ने फ्राई कराया था, इसको हम लोग खाएंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, मतलब इंजॉयमेंट यही है। नामकुम बाजार का जो संडे बाजार है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे इसी के लिए आते हैं, हड़िया या फिर आप बोल सकते हो महुआ पीने के लिए। और नॉनवेज में आपको यहाँ पे स्पेशली मछली मिलेगी और बांडा। बांडा जिसे मैंने पहले ही बताया था, बांडा को हिंदी में हम लोग सुअर बोलते हैं। तो चलिए इस माहौल का, मछली का और राइस वेयर का मजा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं यहाँ का एपिसोड खत्म होने के बाद।